हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मेक लॉजी फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पढ़ने से पहले हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा तो चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन का एक बेसिक ले आइडिया ले लेते हैं इट इज़ द नेम गिवन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल फंक्शन इसका मतलब यह है कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन जो है वो किसे कहते हैं कि जब आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जुडिशल फंक्शन को एक्सरसाइज करती है मतलब उसको परफॉर्म करती है इट इज़ द टर्म सिनोनिमसली यूज विद द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग तो बेसिकली ये जो टर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग के सिनोनिमसली यूज़ होती है मतलब समांतर यूज़ की जाती है इट इज़ द नेम गिवन टू द वेरियस वेज ऑफ डिसाइडिंग डिस्प्यूट्स आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्ट्स तो बेसिकली कोर्ट के बाहर जो आपके ऑर्डिनरी कोर्ट्स होते हैं उनके बाहर जितने भी तरीके से आपके डिस्प्यूट्स uh, जो हैं उनको एडजिटिकेट किया जाता है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुकेशन के अंडर आते हैं इट इज़ कंस्टीट्यूशनल दो इट इज़ नेगेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स तो बेसिकली ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एजुडिकेशन है ये कंस्टिट्यूशनल होता है इसका मतलब कंस्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है उसके हिसाब से ये वैलिड होता है पर ये जो है ये एक तरीके से जो सेपरेशन ऑफ़ पावर का जो प्रिंसिपल होता है उसको अपोज करता है क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी एक ब्रांच जो है वो दूसरे ब्रांच मतलब गवर्नमेंट की कोई भी एक ब्रांच गवर्नमेंट की दूसरी ब्रांच जो है उसकी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता जबकि यहाँ पर क्या होता है कि पावर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को एग्जीक्यूट्स के जरिए या हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर जो है पहले एग्जीक्यूटिवस को पावर डेलीगेट uh, करता है फिर ये एग्जीक्यूट जो है वो कई बार अपनी सब ऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ जो हैं उनको पावर डेलीगेट कर देते हैं तो एक तरीके से ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है इसके नेगेशन में आता है इट इज़ दी पार्टिसिपेशन और इन्वॉलमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ़ द गवर्नमेंट इन जुडिशियल फंक्शन तो इसको हम और किस तरीके से कह सकते हैं कि जब आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ होती हैं या हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव आर्म जो होती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है जब वो जुडिशियल फंक्शन जो है उसमें पार्टिसिपेट करती है या उसमें इन्वॉल्व होती है तो यही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जिडेशन कहलाता है दो थ्रू दी इंस्ट्रोमेंटालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजुडिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज कैन पास अथॉरिटेटिव एंड अपीलेबल डिसीजनस तो ये जो पॉइंट है इसमें बेसिकली क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटि एजुडिकेशन uh, के ज़रिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो होती है या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो हैं वो आपका अथोरिटेट अथॉरिटेटि और अपीलेबल डिसीजनस जो हैं उनको पास कर सकते हैं मतलब ऐसे डिसीजन जिनकी अथॉरिटी होती है जो वैलिड होते हैं और जो अपीलेबल होते हैं उनको पास करने की पावर उनके पास में हो जाती है देन दिस एडजुडिकेटरी फंक्शन इज एक्सरसाइज इन अ वाइटी ऑफ वेज हावर द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ एडजुडिकेशन इज थ्रू ट्रिब्यूनल्स तो बेसिकली ये जो एडजुडिकेटरी फंक्शन है ये कई तरीके से यूज़ होता है पर सबसे ज़्यादा फेमस जो है उसमें ये है उसमें आपका ट्रिब्यूनल्स हैं मतलब ट्रीब्यूसल ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए आपका एडजुडिकेशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी फेमस है नाउ अब चलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की तरफ तो जनरली पहले हम समझेंगे कि ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं। जनरली ट्रिब्यूनल इज एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन विद अथॉरिटी टू जज एडजुडिकेट ऑन और डिटरमाइन क्लेम्स और डिस्प्यूट्स वेदर और नॉट हैव ट्रिब्यूनल इन इट्स नेम तो बेसिकली ट्रिब्यूनल हम ट्रिब्यूनल होते क्या है कि ट्रिब्यूनल कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसके पास में जज करने की अथॉरिटी होती है किसी मैटर में एडजडिकेट करने की अथॉरिटी होती है या हम कह सकते हैं कि क्लेम्स और डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको डिटरमाइन करने की अथॉरिटी होती है भले ही उसके नाम के आगे या उसके टाइटल के आगे आपका ट्रिब्यूनल लगा हो या ना लगा हो ट्रिब्यूनल्स कैन बी डिफाइंड एज जजमेंट सीट्स और कोर्ट ऑफ जस्टिस और बोर्ड और कमेटी फॉर्म टू एडजुटिकेट ऑन क्लेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड तो ट्रिब्यूनल्स जो है इनको कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि ये आपका जजमेंट सीट्स होती हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस होती हैं या ऐसी बोर्ड्स और कमेटी होती हैं जो कि फॉर्म की जाती, जो जाती है जो बनाई जाती हैं किस चीज़ के लिए किसी पर्टिकुलर काइंड के क्लेम को एडजुटिकेट करने के लिए मतलब उसको उसमें डिसीजन लेने के लिए उसको जज करने के लिए ट्रिब्यूनल्स आर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे वर इंट्रोड्यूस बाई फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स तो औरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें औरिजनली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें क्या था कि इसमें आपका जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं उसमें औरिजिनली क्या था आपका जो Uh, ये ट्रिब्यूनल uh, का जो कंसेप्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था बट इसको फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट जो है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ये आपका इम्पोर्टेंट है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स जो है इसके जरिए ट्रिब्यूनल्स जो है उसको आपका इंट्रोड्यूस किया, किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज एस्टैब्लिश अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये पूरी तरीके से जुडिशल नहीं होती हैं जबकि ये क्वेशी जुडिशल अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि कैसे इस्टेब्लिश की जाती हैं पार्लियामेंट के एक्ट के ज़रिए या फिर स्टेट लेजिस्लेचर uh, जो है उसके किसी एक्ट के अंडर ये आपका अथॉरिटीज इस्टेब्लिश होती हैं विच इज़ चार्ज विद द ड्यूटी टू डिस्चार्ज एजुडिकट्री फंक्शन जिसको क्या ड्यूटी दी जाती है एजुटिकटरी फंक्शन जो है उसको डिस्चार्ज करने के मतलब एडजुडिकट्री फंक्शन परफॉर्म करने की ड्यूटी मतलब, uh, इसको दी जाती है सो दे आर बॉडीज अदर दैन कोर्ट्स फॉर परफॉर्मिंग एडजुटिकेटी फंक्शंस तो ये क्या होती हैं बेसिकली वो बॉडीज़ होती हैं मतलब uh, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि आपका एजुटिकटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं पर ये कोर्ट्स नहीं होते हैं बाई द फोर्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स न्यू पार्ट फोर्टीन ए इंक्लूडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपका फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1976 सेवनटी सिक्स के जरिए एक नया पार्ट इंक्लूड किया गया जिसको नाम दिया गया फोर्टीन ए ठीक है ना एंड दिस पार्ट इज एन ट्रिब्यूनल और इस पार्ट को टाइटल क्या दिया गया ट्रिब्यूनल एंड कंसिस्ट ऑफ टू आर्टिकल्स और इसमें टू आर्टिकल्स ही हैं ये जो आपका पार्ट है इसमें सिर्फ टू आर्टिकल्स हैं एक है आर्टिकल तीन सौ तेईस ए दूसरा है तीन सौ तेईस बी मतलब थ्री ट्वेंटी थ्री ए एंड थ्री ट्वेंटी थ्री बी तो आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री ए जो है वो आपका पार्लियामेंट को आ, आपका एनपावर करता है क्या करने क्या किस चीज़ के लिए एनपावर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इस्टैब्लिश करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इस्टब्लिश करने के लिए तो इसी के अकॉर्डिंगस में मतलब इसी के फॉलो करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ठीक है ना उसमें पार्लियामेंट में क्या कर पार्लियामेंट ने क्या करा एक आपका एक्ट पास किया जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट नाइनटीन ठीक है ना तो ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के साथ में डील करता है तो आर्टिकल 323 ए जो है वो पार्लियामेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव आद, आद, ट्रिब्यूनल बनाने के लिए एमपावर करता है फॉर पब्लिक सर्विस मैटर्स फॉर पब्लिक सर्विस मैटर्स ठीक है ना ये बनाने इसके लिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का ट्रिब्यूनल्स का इस्टेब्लिशमेंट कर, करते हैं तो ये जो एक्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट नाइनटीन ये बेसिकली क्या करता है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एनपावर करता है कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अस्टैब्लिश करे ठीक है ना और दूसरा हर स्टेट के लिए आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उसको इस्टेब्लिश कर सकता है अब आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री बी जो है वो आपका डील करता है ऐसे ट्रिब्यूनल से जो कि और अदर मैटर्स में डील करेंगे जैसे कि टैक्सेशन इंडस्ट्रियल एंड लेबर लेबर लैंड रिफॉर्म्स फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेंज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्सेट्रा नाउ अब ये तो हमने पढ़ लिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं अब हम पढ़ते हैं कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं इनका इनके इस्टेब्लिशमेंट की इनकी इनके इस्टेब्लिशमेंट की का ऑब्जेक्टिव क्या था या इसकी ज़रूरत क्या थी तो बेसिकली द मेन पर्पज़ ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट वॉज़ टू रिलीव कंजेशन इन कोर्ट और टू लोअर द बर्डन ऑफ केसेस इन कोर्ट तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो कोर्ट हैं जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं उसमें कंजेशन को रिलीव किया जाए या हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं उनमें जो केसेस का बर्डन है उसको कम किया जाए और दूसरा टू प्रोवाइड फॉर स्पीडी डिस्पोजबल डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द सर्विस मैटर्स और दूसरा इसका ऑब्जेक्ट था कि सर्विस मैटर्स से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनका स्पीडी डिस्पोजल हो सके मतलब उनको फास्ट तरीके से उनको उनका रिजोल्यूशन किया जा सके उनको सॉल्व किया जा सके ना एप्लीकेबलिटी एप्लीकेबलिटी ऑफ द एक्ट जब हम्लिकबिलिटी ऑफ एक्ट की बात करते हैं तो इसमें आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट है 1985 एटी फाइव का उसके सेक्शन टू क्या कहता है कि ये जो एक्ट है वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई जो होते हैं उनमें अप्लाई होता है एक्सेप्ट किस किस एम्प्लॉय में ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा एक तो आपका जो नेवल मिलिट्री और एयर फोर्स है ना इसके मेंबर्स में या फिर कोई भी अदर आर्म फोर्सेस हैं जो कि यूनियन के अंडर है उनके मेंबर्स पे भी आपका ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो है वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा दूसरा ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं या सर्वेंट्स होते हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं होता है तीसरा कि जो आपका पार्लियामेंट के जो हाउसेस होते हैं उनमें जो सेक्रेटरीट स्टाफ होता है ठीक है ना यहाँ कह सकते हैं कि जो भी पर्सन आपका सेक्रेटरीट स्टाफ की तरह अपॉइंटेड होता है उन पे भी ये आपका एक्ट अप्लाई नहीं होता है अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बेंच तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के सेक्शन फोर में मेंशन किया गया है कि हर ट्रिब्यूनल जो है उसमें एक चेयरपर्सन होगा या हम कह सकते चेयरमैन होगा एक वाइस वाइस चेयरमैन होगा जुडिशियल मेंबर्स होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होंगे जबकि जो बेंच होती है उसमें एटलीस्ट वन जुडिशियल मेंबर और वन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होना ज़रूरी है अब हम बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस ठीक है न मत तो ये बेसिकली आपका किस में मैंशन किया गया यही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो है नाइनटीन एटी फाइव का इसके सेक्शन एट में मैंशन किया गया है कि ये बेसिकली पाँच साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं जैसे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है वो आपका सिक्सटी फाइव या तो हम कह सकते हैं पाँच साल के लिए उनका टिन्यर होगा या जब तक वो आपका सिक्सटी फाइव ईयर्स की एज आपका अटेंड नहीं कर लेते और जो अदर मेम्बर्स होंगे उनके लिए है आपका कि जब तक तो वो सिक्सटी टू ईयर्स की एज अटेंड नहीं कर लेते हैं नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट नाइनटीन एटी फाइव एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट नाइनटीन एटी फाइव के हिसाब से अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल की तो वो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि, कि तो आपका वैसे तो कई सारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं पर हम कुछ मेन मेन ट्रिब्यूनल्स को स्टडी करेंगे जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इट हैज़ जिरीडिक्शन टू डील विद सर्विस मैटर्स परटेनिंग टू दी एम्प्लॉयज़ ऑफ मतलब ये बेसिकली आपका आ, जो सर्विस मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जिरीडिक्शन करता है ठीक है और ये सर्विस मैटर किससे रिलेटेड होना चाहिए ऐसे एम्प्लॉय जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या किसी भी यूनियन यूनियन टेरीटरी के एम्प्लॉय हैं या किसी लोकल और अदर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और ये जो गवर्नमेंट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है कोई ऐसी कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय हैं जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ओ कर ओन करती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना हम बात करते हैं आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में क्या लिखा है कि दीज ट्रिब्यूनल्स कैन बी इस्टेबलिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिलेचर तो ये आपका जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेजिलेचर जो है दोनों ही आपका इस्टेबलिश कर सकते हैं फॉर वेरियस मैटर्स लाइक लेवी असमेंट कलेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द टैक्स मैटर्स कनेक्टेड विद लैंड रिफॉर्म कवर्ड अंडर आर्टिकल थर्टी वन ए तो ये आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेट ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया नेक्स्ट इज जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दीज कैन बी एस्टैबलिश ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ टू और मोर स्टेट्स तो बेसिकली ये जो जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं ये दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स की रिक्वेस्ट पे बनाए जाते हैं और ये जो है जिन स्टेट्स की रिक्वेस्ट पे ये बनाए जाते हैं उन पे ही आपका ये आपका एप्लीकेबल होंगे और उन सारे स्टेट्स के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड मैटर्स होंगे उनको आपका जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स डील करेगा तो कुछ और एग्जांपल्स आपके हैं ट्रिब्यूनल्स के जैसे कि आपका इनकम टैक्स अपीलेट ट्रब्यून ट्रिब्यूनल हो गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गया वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एंड आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स तो ये सारे कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे आपके वेरियस ट्रिब्यूनल्स के अब हम बात करते हैं कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स दे आर ऑफ स्टैटरी ओरिजन एंड सो मच सो मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ स्टेट्यूट बाय पार्लियामेंट और इस्टेट लेजिचर तो बेसिकली आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होते हैं ये स्टेटरी ओरिजन के होते हैं इसलिए ये किसी स्टैट्यूट के ज़रिए ही क्रिएट होने चाहिए और इन्हें कौन क्रिएट करेगा पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्चर दे आर क्वेश्च जडिशियल इन नेचर मीन्स दे हैव सम फीचर्स ऑफ अ कोर्ट बट नॉट ऑल तो ये क्वेश्चन जुडिशियल नेचर के होते हैं इसका मतलब इसमें कुछ फीचर्स कोर्ट के होते हैं पर सारे फीचर्स कोर्ट के नहीं होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज़ बाउंड टू एक्ट जुडिशियल एंड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो बाउंड मतलब वो एक तरीके से बाउंड होते हैं जुडिशल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए और साथ ही साथ में जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसको फॉलो करने के लिए विद रिगार्ड्स टू प्रोसीजरल मैटर्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पासिस पावर्स पोजेस पावर ऑफ अ कोर्ट बेसिकली अगर हम बात करें प्रोसीजरल मैटर्स के रिगार्ड में अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं उनके पास में कोर्ट जैसी पावर्स होती हैं जैसे कि किसी विटनेसेस होते हैं उनको समन करना टू एडमिनिस्टर ओथ एंड टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एट्रा मतलब किसी से डॉक्यूमेंट्स वगैरह की अगर रिक्वायरमेंट है किसी मैटर को डिस्कस करने के लिए उसको एडजिडिकेट करने के लिए तो उसकी भी डिमांड वो कर सकते हैं इट इज़ नॉट बाउंड ऑफ़ एविडेंस एंड प्रोसीजर प्रस्क्राइब बाय सिविल प्रोसीजर कोड तो बेसिकली जो सिविल प्रोसीजर कोड में जो आपके स्ट्रिक्ट रूल्स दे रखे हैं एविडेंस और प्रोसीजर को फॉलो करने के ये उनसे बाउंड नहीं होता है मतलब ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि वो ये ये रूल्स को फॉलो करें दे आर इंडिपेंडेंट एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस इन डिस्चार्ज ऑफ दियर जुडिशियल और कौशी जुडिशियल फंक्शन उसका मतलब ये कि एक तरीके से इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं और जब भी अपना जुडिशियल जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसमें इसमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस नहीं होता है द रिट्स ऑफ सर्ट्योरिरी एंड प्रोहिबिशन आर अवेलेबल अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं इनके डिसीजन के अगेंस्ट इनके डिसीजन के अगेंस्ट रिट ऑफ और प्रोहिबिशन के लिए Uh, क्या कहते हैं uh, आपका केस फाइल या रिट पटिशन फाइल की जा सकती है इट हैज कोर्ट एंड आर रिक्वायर टू एक्ट ओपनली फेयरली एंड इम्पार्शियली तो इसमें क्या है आपका कि ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव uh, ट्रिब्यूनल्स होते हैं इनको कोर्ट की तरह ही क्या करना पड़ता है जो भी इनका जजमेंट हो वो ओपन होना चाहिए फेयर होना चाहिए और इम्पारशियल होना चाहिए तो फ्रेंड्स ये हमारा एक टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूँगी आप नेक्स्ट टॉपिक भी ज़रूर जो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसको भी ज़रूर देखिएगा और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत होती है तो आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँ पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग